लाइट्स कैमरा लेट्स कुक कुक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो गोवा गोवन। मैं आशीन आपका स्वागत करता हूं इस और एक एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साकरभात। ये जो साकरभात है ये गोवा की एक ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल डिश है, स्वीट डिश है इनफैक्ट, जो कि हर घर में बनाई जाती है, स्पेशली त्योहारों में या शादी ब्याह में या कोई भी भगवान का जगराता हो उसमें, और ये बड़े चाव से खाई जाती है। इसका होना तो एकदम जरूरी है जब गणपति का कोई फेस्टिवल हो। तो ये डिश कैसे बनती है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स थोड़ा फ्राई करके लेते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा घी लिया है और उसमें काजू और किशमिश डाल के हल्का सा फ्राई करके लेंगे। आप अपने पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन साकरभात का स्वाद तो काजू और किशमिश के साथ ही आता है। ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। अभी एक पैन में हम देसी घी लेते हैं। ये लगभग हमें 2 टेबलस्पून लेना है। घी गरम हो गया है। अभी हम कुछ मसाले डालते हैं। हमने लौंग डाली है और एक 3-4 इलायची डाले हैं। एक सिनामन यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। हमने यहाँ जायफल भी लिया है और कुछ इलायची बचा के रखी है, जो कि हम पाउडर बना के आखिर में डालेंगे। अब हमें राइस लेना है और उसे धीमी आंच में भूनना है। मैंने यहाँ जीरा राइस लिया है। आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं, लेकिन जीरा राइस में जो टेक्सचर आता है वो बासमती राइस में नहीं आता, क्योंकि साकरभात के लिए हमें चावल थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है और ज़्यादा पकने के बाद बासमती राइस टूट जाता है और एकदम सॉगी भी हो जाता है। और हाँ, ये चावल हमने पहले धो के छाव में सुखा के रखे थे। फ्रेंड्स, साकरभात गोवा का ट्रेडिशनल स्वीट डिश तो है ही है, लेकिन गोवा के साथ साथ ये महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स में बनता है। ये बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में जैसे या पंजाब में गुड़ के चावल बनते हैं ना, वैसा ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ ये शक्कर के साथ बनाया जाता है और गुड़ के चावल से इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। साखर यानी शक्कर या चीनी
और भात मतलब राइस चावल, तो इसीलिए इसे साकर भात कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा है कि इसे एकदम धीमी आंच पे पकाना है, हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। जब ये धीमी आंच में पकेगा तभी इसका एक एक दाना खिल के आएगा। अभी इसमें हम जितना चावल लिया है उससे दुगना गरम पानी डालेंगे। हमें ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम पानी डालना है। अब केसर लेते हैं, उसमें थोड़ा दूध मिला लेते हैं। अभी हम इसको हमारे साकर भात में मिलाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली इसमें फूड कलर डाला जाता है, ख़ास करके ऑरेंज कलर का या येलो कलर का, लेकिन हम इसमें फूड कलर अवॉइड कर रहे हैं और जो भी इसमें कलर आएगा वो केसर से और देसी घी से ही आएगा। अभी हमें इसे ढक के तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खत्म ना हो और चावल अच्छी तरीके से पके ना। ये देखिए दोस्तों, चावल पक गए हैं और एकदम खिले खिले बने हैं। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी मिलाते हैं। साथ ही में इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा पकने के बाद चीनी पानी छोड़ेगी। अब हमें इसे ढक के पानी कम होने तक पकाना है। इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी बचा है तो हम इसे ढक के तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो। ये देखिए दोस्तों, अपना साकर भात बिल्कुल तैयार है। साइड से भी घी अच्छी तरह से छूटा है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें जायफल और इलायची का पाउडर मिलाएंगे जो हमने बचा के रखे थे। जायफल का छोटा सा टुकड़ा यूज़ करें। फ्रेंड्स, अपना साकर भात रेडी हो गया है, लेकिन आप बनते ही तुरंत उसको मत खाइए। इसको एक 10-15 मिनट रेस्टिंग टाइम दीजिएगा ताकि वो एकदम खिला खिला हो जाए, क्योंकि जो भी शक्कर या मच्छर है वो पूरा चावल अंदर खींच लेगा
तभी उसे खाने में मजा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी से प्लेट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।